हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, लेक्चरर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान से हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे हम CAG या कई बार नॉर्मल भाषा में कैग भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर। CAG वो संस्था है हमारे देश की जो हमारी सरकार के खर्चे जो होते हैं, जो बजटेड खर्चे हैं, जो हमारे वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, उनको ऑडिट करते हैं। दुनिया भर में सारी सरकारें, जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही हैं, वो अपने खर्चों के लिए अकाउंटेबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कि वो अपने खर्चों को वहीं से अप्रूव कराती हैं। वो अपने लेजिस्लेचर जो होते हैं, व्यवस्थापिका, वहाँ से उसे अप्रूव कराती हैं, उसे बजट कहते हैं हम। और बजट जब पास हो जाता है, उसके बाद वो सारे सरकारी विभाग और जो मंत्रालय हैं, वो उन खर्चों को करते हैं, पूरे पूरे देश के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन स्कीम्स को सारे विभाग अपना काम करते हैं और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये जो अकाउंट्स हैं जो ये सारे सरकारी विभाग बनाते हैं, उनकी ऑडिटिंग का काम होता है, जिसे हम अंकेक्षण कहते हैं। ये एक संस्था करती है, जिस संस्था का अध्यक्ष होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे देश के अंदर। ये एक संस्था बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और इन दिनों तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है इसका, जब हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार और देश के अंदर खामियां निकल रही हैं सरकारी खर्चों को करने में और उनके नियोजन के अंदर भी कई बार। तो आज हम देखते हैं कि क्या रोल है CAG का हमारे देश के अंदर, क्या रोल और ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश के अंदर वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर रही है सरकारी खर्चों के ऊपर, वित्तीय अकाउंटेबिलिटी स्थापित कर रही है। हमारे देश के लेजिस्लेचर यानी हमारा पार्लियामेंट जो बजट पास करता है, उसी बजट के अनुसार हमारे देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कोई खर्चे किए हैं या नहीं किए हैं, ये उसको चेक करता है। CAG का जो ऑफिस है वो ये चेक करता है कि क्या कोई भिन्न तरीके से तो खर्चे नहीं किए गए हैं, या उसमें कहीं पैसा तो नहीं बचाया जा सकता था, इन्होंने कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर दी थी। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है, उसको देखना CAG का काम नहीं होता है। पॉलिसी फॉर्मिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये काम है हमारे पार्लियामेंट का, ये उसके अधीन, ये उसको नहीं चेक कर सकते कि पॉलिसी सही थी या नहीं थी। ये चेक कर सकते हैं कि सरकार ने खर्चे का तरीका तो सही अपनाया और वो बजट में था या नहीं था, या उसमें कोई एफिशिएंसी में कमी तो नहीं थी, कोई उसके प्रभावशीलता में तो कोई कमी नहीं थी, ये सब चेक करना इनका काम होता है। हमारे देश के अंदर CAG के क्या लीगल प्रोविजंस हैं, हम देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान, वो हमारे CAG को आर्टिकल्स 148 से 151 के बीच में उसको डिफाइन करता है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश के अंदर एक CAG होगा जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और वो अपने अपॉइंटमेंट के 6 साल तक काम कर सकते हैं, और इस दौरान उनको किसी भी तरीके से हटाया जाना साधारण तरीका नहीं है। उसको हटाए जाने के लिए हमें, जैसा राष्ट्रपति को हटाने का प्रोविजन होता है, जैसा महाभियोग जैसा प्रस्ताव कहते हैं, वैसे प्रस्ताव से ही इन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए ये बहुत फिक्स टेन्योर वाला ऑफिसर होते हैं और ये ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट माने जाते हैं, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके और काम करने के जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, वो हमारे कॉम्प्टर एंड ऑर्डर जनरल ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अंदर डिफाइन की गई हैं। अब हम देखते हैं कि CAG किस तरह से निर्भीक होकर काम कर सके, किस तरह इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके, इसके क्या प्रोविजंस हैं हमारे देश के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि उनको हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों के अंदर। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिसेस को हटाने का तरीका है, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। इनकी सैलरीज और इनके सेवाओं की शर्तों को इनके कार्यकाल के दौरान नहीं बदला जा सकता है, और ये कोई भी पद अपने सेवाकाल के बाद सरकार के अंदर नहीं लेते हैं, ऐसे प्रथा चल रही है, कन्वेंशन चल रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकी जो पावर्स और जो हैं, उनको राष्ट्रपति इनसे कंसल्ट करके ही चेंज कर सकते हैं, या जो इनके जो खर्चे हैं, इनके ऑफिस के खर्चे हैं, वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड होते हैं, उनको वोट नहीं करा जाता पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर आती हैं थ्रू द राष्ट्रपति। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट के अंदर देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं किसी भी मंत्रालय या किसी भी विभाग के अधीन इनका कंट्रोल नहीं आता है, ये बड़े इंडिपेंडेंट हैं।
इस तरह हम ये भी फाइंड करते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में काम करते हैं वो सारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में कहलाए जाते हैं, और वो यूपीएससी के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपॉइंटमेंट्स अपने एक बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन से करती है। पूरे देश के अंदर वो एग्जामिनेशन होता है, जिससे आईएएस की भर्ती भी होती है, आईपीएस की भर्ती भी होती है, उन्हीं भर्तियों के तहत इनकी इनकी भर्ती होती है। इनको डिसमिस करना, इन इन ऑफिसर्स को इनका रिमूवल या डिसमिसल में यूपीएससी को शामिल करके ही वो तरीका अपनाया गया है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट है इन लोगों को अपने सेवाकाल से बीच में हटाना। ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं जिससे ये निर्भीक होकर काम कर सकें। हम ये देखते हैं कि सीएनडीजी के क्या लिमिटेशंस हैं हमारे देश के अंदर काम करने में। देखिए, जब सीएजी काम करने लगते हैं या इनके ऑफिसर्स जो काम करते हैं वो हर विभाग से उनके खर्चों के ब्यौरे मंगवाते हैं, अकाउंट्स के ब्यौरे मंगवाते हैं, इसी तरह वो ये भी मंगवाते हैं कौन से काम के किस तरह आदेश दिए गए, अन्यथा कई सारे फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सेस है, ये जो मंगवाने का जो उनका कंट्रोल है वो कंप्लीट नहीं है हमारे देश के अंदर। हम ये पाते हैं कि कई बार कई डिपार्टमेंट्स कागजों को छुपा जाते हैं, फाइल्स छुपा जाते हैं, तो इनको जांच करने में अड़चनें पैदा होती हैं। ये जो चीज़ है इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और इसके लिए नया लेजिस्लेशन भी लाया जा रहा है अभी, है ना। दूसरा हम ये देखते हैं लिमिटेशंस ये भी हैं कि वो सारे का जो कार्यकाल कार्यपालिका है उसके ऊपर सीधा एनफोर्समेंट नहीं है उसका। वो जो भी गलतियां खामी पाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पेश करते हैं, जब तक पार्लियामेंट में पेश नहीं होती वो समाज के अंदर सामने नहीं लाई जा सकती हैं। ऐसा हमने देखा है कि कई बार समाज वो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट को टेबल नहीं करता है, उसको देरी कर देता है। तो सीएजी ने तो गलती बहुत पहले पकड़ ली थी लेकिन जनता के सामने वो नहीं आई, सरकार अपने आप को बचाने का तरीका निकाल देती है। इस कमी को भी दूर करने की कोशिश इन दिनों जारी है, हम नए कानूनों के अंदर हो सकता है आगे देखेंगे कि इसमें ये देरी इसमें दूरी हटा दी जाए। दूसरा ये होता है कि जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स आ भी जाती हैं तो उन रिपोर्ट्स के अंदर कई दिनों तक उस पर बहस नहीं होती है, कोई चर्चाएं नहीं की जाती, बहुत लंबी पेंडेंसी है। अभी रिसेंटली डेटा आया था कि करीब 800 रिपोर्ट्स अभी भी पेंडिंग हैं जिनके ऊपर सरकार अपना एक्शन देने की बात अभी विचाराधीन चल रही है। तो ये वीकनेस है, जल्दी एक्शन नहीं होगा उनके ऊपर तो वो जो अकाउंटेबिलिटी जो हम उत्तरदायित्व हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो और मुश्किल हो जाएगा। हमने देश के अंदर ये सुधार की प्रक्रिया चलाई है, हमारे देश के अंदर जो सीएजी जो पिछले सीएजी आए थे उन्होंने भी काफ़ी स्कैम्स पकड़े हैं, उन स्कैम्स को उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया के अंदर काफ़ी चर्चा होने लगी है आजकल। तो इससे हम देखते हैं कि सीएजी के संस्था को सुदृढ़ीकरण के जो नवीन जो योजना है वो जल्दी सरकार पे भी दबाव है कि उनके अंदर काम किया जाए। और अभी लेटेस्ट तो ये है कि हमारे सीएजी यूनाइटेड नेशंस के जो ऑडिट बोर्ड है उसके मेंबर भी अभी नियुक्त हुए हैं, उसमें इलेक्ट हुए हैं, तो ये एक लेटेस्ट अचीवमेंट है। हम देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर सीएजी का प्रभाव हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, हमारे प्रशासन के ऊपर उसका दबाव बढ़े, इससे भ्रष्टाचार से लड़ने के अंदर भी उसमें शक्ति आती है, उसमें उसमें बल मिलता है। तो सीएजी के बारे में आज इतना ही, धन्यवाद।